नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टॉक इन्वेस्टिंग में स्वागत है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार के अधीन काम करती है और मात्र एक ऐसी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का कारोबार करती है। आज के डेट में इन शेयरों में 9% की बढ़त देखने को मिला है और मार्केट शेयर प्राइस इसमें 184.55 रुपये पे बंद हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि 15,000 करोड़ की बड़ी ऑर्डर मिलने के कारण से इन शेयरों में इतनी बड़ी तेजी देखी गई है। एक और शेयरों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो एक मिड कैप कंपनी है, इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड, जो कि हर एक सेक्टर के लिए डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। करेंट प्राइस महज 33.29 रुपये पर ट्रेड कर रही है। पिछले एक सालों में इन्होंने शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। हालांकि पिछले एक महीने के चार्ट में देखा जाए तो इन्होंने शानदार रिकवरी किया है 9% का, और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में ये वही शेयर है जो अपने निवेशकों को मल्टीवेगर रिटर्न के तौर पे साबित हो सकती है। यानी कि अगर हम 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो यकीनन दोस्तों आपके 10 गुना तक का रिटर्न मिल सकता है। आइए इन दोनों शेयरों के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल के माध्यम से अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले खबरों पे फोकस करें तो CNBC रिपोर्ट के मुताबिक NBCC इंडिया लिमिटेड को 15,000 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है वो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिला है। भारत सरकार और NBCC के बीच में लेकर एक सहमति बनी है, हस्ताक्षर हो गए हैं। शहर के बाहरी इलाके के लिए यह कंपनी टाउनशिप बनाएगी, कॉमर्शियल प्लेस बनाएंगे, इनडोर खेल के केंद्र बनाए जाएंगे और आधुनिक सुविधाएं के साथ साथ 5-स्टार रिजॉर्ट भी होंगे। ये कार्य 5 सालों में पूरा होने की संभावना जताई गई है। NBCC इंडिया लिमिटेड को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है 15,000 करोड़ रुपए का। NBCC इंडिया लिमिटेड के पास जो पहले का बुक ऑर्डर है दोस्तों देख सकते हैं 50,000 करोड़ का। ये NBCC का आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन की जा रही है कि 50,000 करोड़ रुपये के पहले से हमारे पास ऑर्डर बुक था और 15,000 करोड़ का अब मिला है, तो टोटल जो ऑर्डर हो चुका है दोस्तों वो 65,000 करोड़ रुपये का। अगर देखा जाए दोस्तों तो सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 के बाद लगातार इन्होंने जो है रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पे जोर दिया है, जिनके कारण से भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियों में तेजी देखी जा रही है। हालांकि NBCC इंडिया लिमिटेड की अगर हम कारोबार को समझें तो सबसे ज़्यादा जो इसका रेवेन्यू आता है PMC यानी कि परियोजना प्रबंधक परामर्श के द्वारा, सबसे कम रेवेन्यू जो आता है वो रियल इस्टेट डेवलपमेंट से, और 4% का जो रेवेन्यू आता है दोस्तों EPS यानी कि इंजीनियरिंग खरीद एवं निर्माण के क्षेत्र से। तो यहाँ पर और डिटेल्स अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आती है PMC के माध्यम से तो इसमें इंस्टीट्यूशनल हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आती है, रीडेवलपमेंट वर्क एंड गवर्नमेंट कॉलोनी आती है, रोड, हॉस्पिटल, मेडिकल, कॉलेज, ऑफिस, एयरपोर्ट, ब्रिज आती है, और अगर हम EPC में देखें तो सिविल स्ट्रक्चर आती है, और रियल इस्टेट में कमर्शियल, कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग और टाउनशिप एंड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। तो इस तरह की कंपनियां की कारोबार है। एक्चुअल में दोस्तों जो NBCC इंडिया लिमिटेड पिछले एक साल में 278% की जो तेजी दिखाई है ना, ये न्यूज के बल पर। जब असली कंपनी प्रॉफिट करेगी, जब कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट लेकर आएगी, उसमें प्रॉफिट अगर दर्शाती है पहले की अपेक्षा ज़्यादा, तब जाकर अगर शेयरों में तेजी आ गई ना तो वो हकीकत होगी, वरना न्यूज़ के बल पे तो कोई भी शेयर उछल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10% की तेज़ी हो गई तो खरीद लो यहाँ से तो 15% हो ही जाएगा, नहीं, तो यहाँ से करेक्शन होने की भी संभावना बनती है। लेकिन NBCC इंडिया लिमिटेड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखेगा क्योंकि इसके पास कुल मिलाकर 65,000 करोड़ की ऑर्डर है, और जब ये कंपनी ऑर्डर पर काम करेगी तो ऑटोमेटिक है कि वो प्रॉफिट करेगी और 5 साल तक के लिए इस कंपनी को काम की दिक्कत आने वाली नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए दोस्तों पिछले एक महीने में तो यह शेयर जो है डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रही थी और इस बीच में जो है 163 रुपये का लो भी बनाया था। आज के डेट में जो रिकवर देखने को मिला है जो पॉजिटिव में ला दिया है पिछले एक महीने की, 6 महीने में 24% का रिटर्न है, 1 सालों में 278% का और 5 सालों में 432% का, मैक्सिमम चार्ट के अनुसार से देख सकते हैं 2,820% का रिटर्न मिला है।
शेयर लिस्टेड कब हुई थी, साल 2012 में। इस बीच में उन्होंने जो ऑल टाइम हाई बनाया था दोस्तों 134 रुपये का साल 2017 में, उससे थोड़ी सी गिरावटें जरूर देखी गई है। साल 2020 में 17 रुपये का समथिंग शेयर आ गई थी। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर भी किसी ने खरीदारी किया होगा, उन्हें सीधे तौर पर लगभग 1000% यानी कि 10 गुना का इजाफा हो चुका है। एक नज़र एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल को देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से 33,200 करोड़ की कंपनी है। पीई 96 ट्रेड कर रही है, जो कि महंगे वैल्यूएशन पे ये शेयर ट्रेड कर रही है। स्टॉक बुक वैल्यू 11 रुपया है। अगर स्टॉक अपने बुक वैल्यू से तकरीबन लगभग 17 गुने पे कारोबार कर रही है। सबसे पॉजिटिव बात है दोस्तों कि 100% कर्ज मुक्त कंपनी है। बहुत कम ऐसे कंपनियां देखने को मिलेगा जो रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है और कंपनी ऊपर कर्ज ना हो, तो बहुत कम ऐसे कंपनी देखने को मिलेगी। सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 21% ईयर ऑन ईयर बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 26% बहुत ही बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई 12 है, आरओसी जो है 20% देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का क्वार्टर वन का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अगर 23 और 24 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस बीच में इन्होंने क्वार्टर फोर में 3031 करोड़ का सेल किया था और 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। और कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो पिछले 3 साल से कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते क्रम में देखने को मिल रही है, और लास्ट ईयर इन्होंने 6736 करोड़ का सेल किया था और इस बीच में 231 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखी गई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो भारत सरकार की हिस्सेदारियां हैं 61.75%, वो भी जीरो प्लीज वाली। डीआई वाले के पास 9.46% की हिस्सेदारी है, एफआई वाले के पास 4.43% की हिस्सेदारी है और रिटेल निवेशकों के पास 24% की हिस्सेदारी है। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन है। इन कंपनी में हमें मीडियम समय से लेकर लंबे समय के लिए जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। कंपनी के पास इतना सारा ऑर्डर बुक है कि आगे चलकर कंपनी के सेल्स बढ़ते क्रम में देखने को मिलेगा और कंपनी का प्रॉफिट भी। तो वक्त है, अच्छे समय पे अच्छा शेयर की तलाश कर रहे हैं, तो उनमें से एक एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड भी होगी। इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड, आप जो दोस्तों इतनी छोटी प्राइस देखने को मिल रही है, अगर कंपनी इतनी अच्छी हो, इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह कंपनी अब तक अपने निवेशकों को कुछ दिया नहीं होगा। बहुत कुछ दिया है दोस्तों। इसका शेयर प्राइस इतना छोटा होने के कारण है कि इन्होंने साल 2018 में 10:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट दिया था, यानी कि प्रत्येक एक शेयर के बदले में 10 शेयर, और इस बीच में उन्होंने 2 बार बोनस भी दे चुकी है 1:1 के रेशियो में, जिनके कारण से इतना छोटी प्राइस देखने को मिल रही है। हालांकि मैक्सिमम चार्ट के अनुसार से इंफीबीम एवेन्यू जो है 196% का रिटर्न निकाल के दिया है, और आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले 5 दिनों में इन्होंने 4.5% का रिटर्न दिया है, और इस बीच में इन्होंने जो लोएस्ट प्राइस बनाया था वो 31 रुपये का, 1 महीने में 9% का। तो ये शेयर तो पहले काफ़ी समय तक एक ही रेंज में ट्रेड किया, अब थोड़ी सी ब्रेकआउट देखने को मिल रही है। तो ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि शॉर्ट टाइम में ये 40 रुपये से 42 तक के टारगेट को हिट कर सकती है, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 42 रुपया है। तो ऊपरी स्तर पे ऑटोमेटिक है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर 42 रुपया पे जाकर शेयर साइडवेज कारोबार करने लगे, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देती है यानी कि 42 रुपये से ऊपर ट्रेड करने लगे, तो उन स्थिति में आप निश्चिंत हो कि आँख बंद करके भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो टारगेट होने वाला है वो 56 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में। फिलहाल दोस्तों इस कंपनी को लेकर हमें शॉर्ट टाइम या मीडियम टाइम को लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 10 गुना का है, तो उसके लिए आपको समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा। एक नज़र इस कंपनी के कारोबार को देख लें तो साल 2017 में निगमित हुई थी इस कंपनी। इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड सॉफ्टवेयर विकास की सेवाओं में लगी हुई है। कंपनी रख रखाव, वेब विकास, भुगतान गेटवे के सेवाओं के साथ साथ यह कंपनी ई कॉमर्स और अन्य सहायक सेवाएं भी प्रदान करती है, यानी कि मान सकते हैं दोस्तों पूरी तरीके से यह कंपनी आईटी बेस पे है। और मार्केट कैप के लिहाज से यह कंपनी 9,267 करोड़ की कंपनी है। पीई 46 पे ट्रेड कर रही है, आरओसी 6 का है, आरओई 4 का है, बुक वैल्यू 12 पे ट्रेड कर रही है। अगर देखा जाए तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 2.75 गुना पे कारोबार कर रही है। पिछले 1 सालों में इन्होंने 42.50 रुपये का हाई लो 13.70 रुपये का लगाया है। डिविडेंड यील्ड नाममात्र है 0.15%, फेस वैल्यू 1 है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यह कंपनी 100% कर्ज मुक्त है। यहाँ पर देख सकते हैं जीरो कर्ज देखने को मिलेगा।
अब आइए दोस्तों थोड़ी सी कंपनी की फंडामेंटल को भी देखें। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कि मार्च 2024 में कंपनी ने 665 करोड़ का सेल किया था और इस बार यानी कि क्वार्टर वन में 682 करोड़ का सेल किया, इस बीच में 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो कंपेरिजन ये किया जाता है कि इस बार इंफीबीम एवेन्यू को पहले साल के अपेक्षा कंपनी को 25% या 2% या 5% की सेल्स में बढ़त देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो क्वार्टर यानी कि जून 2024 का है ना, इससे जून 2023 का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके साथ हमें कंपेरिजन करना होता है। तो यहाँ पर 1 करोड़ ज़्यादा के इन्होंने प्रॉफिट दर्ज की है और पहले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो सेल्स में तकरीबन 8 गुना का गिरावटें देखी गई है। खैर कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर से बढ़त देखने को मिल रही है। पूरे साल के अगर डाटा को देखें तो साल 2020 में महज 500 करोड़ का सेल किया करता था और मार्च 2024 में इस कंपनी का लगभग 3000 करोड़ का सेल हो गया, यानी कि 5 सालों में इन्होंने जो है 6 गुना अपना सेल्स को बढ़ाया है। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों जो प्रमोटर हैं उनके पास 27.43% की हिस्सेदारी है, वो भी जीरो प्लीज वाली। FI वाले के पास 6% की हिस्सेदारी है, DI ब्लॉक पास 0.09% की हिस्सेदारी है, हम आप जैसे रिटेल निवेशकों के पास 65% की हिस्सेदारी है। तो इन्फीबीम एक ऐसी शेयर है दोस्तों जिसे आप पेनी स्टॉक या फिर छोटे प्राइस की नज़र से देख सकते हैं, लेकिन ये वही शेयर है जो आने वाले समय में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो चला तो चांद तक, वरना आप जमीन पे थे ही, तो मिनिमम आपको 3000 रुपया का जरूर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इसके पहले भी हमने कई ऐसे शेयरों के बारे में जिक्र किया है जो अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। फिर भी दोस्तों खरीदने या बेचने से पहले आपको खुद से रिसर्च जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।